फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। एक देश एक टैक्स वाला बहुप्रतीक्षित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में होगा पेश। भाजपा और कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, सरकार को बिल के पारित होने का भरोसा। बीमार पड़ जाने की वजह से वाराणसी की अपनी यात्रा बीच में स्थगित कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल देर रात दिल्ली लौटी, सेना के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सार्क देशों के गृहमंत्रियों के दो दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने के गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज होंगे पाकिस्तान रवाना। सार्क देश आंतरिक सुरक्षा के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान पर करेंगे चर्चा। गुजरात में नेता के चुनाव को लेकर बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में। आनंदीबेन के इस्तीफे को स्वीकार करने और उनके उत्तराधिकारी को तय करने की उम्मीद। संसद की वीडियोग्राफी मामले में 9 सदस्यों की संसदीय समिति आज सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान पर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने की वजह से संसद की सुरक्षा खतरे में डालने का लगा है आरोप। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह सऊदी अरब में मंदी की वजह से बेरोजगारी के बाद वित्तीय संकट झेल रहे भारतीय मजदूरों की मदद के लिए जिद्दा पहुंचे। सरकार फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए तैयार कर रही है योजना। 2006 के औरंगाबाद हथियार मामले में आतंकी अबू जिंदाल को मौत तक उम्र कैद की सजा, 6 अन्य दोषियों को भी उम्र कैद की सजा, जबकि 2 को 14 साल और 3 दोषियों को 8 साल कैद की सजा है। बुलंदशहर रेप केस मामले के 4 दिन बाद भी नहीं गिरफ्तार हो सके सभी आरोपी। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, घटना की सीबीआई जांच की मांग की। सीरिया के शहर सकारे पर जहरीली गैस क्लोरीन से हमला, डॉक्टर और बचाव कर्मियों के मुताबिक क्लोरीन गैस से भरे बैरल गिराए गए। गैस हमले से प्रभावित 30 लोगों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केडी प्रचंड के हाथ एक बार फिर आ सकती है सत्ता की बागडोर। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई दूसरा नाम दौड़ में नहीं, नेपाल को मिल सकती है एक स्थिर सरकार, आज संसद में बहुमत साबित करेंगे। लीबिया के बेनगाजी शहर में एक आत्मघाती कार बम धमाके में 23 लोगों की मौत और कई अन्य घायल। माना जा रहा है इस बम धमाके में सरकार का समर्थन करने वाले सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। चीन में आए तूफान निधा की वजह से पर्ल नदी डेल्टा क्षेत्र में यातायात बुरी तरह हुआ प्रभावित। तूफान के चलते कई उड़ाने करनी पड़ी रद्द। स्थानीय मौसम विभाग ने तूफान की रफ्तार 151 किलोमीटर प्रति घंटा बताई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पश्चिमी देशों पर तख्तापलट की कोशिश करने वालों का समर्थन करने का लगाया आरोप। अंकारा के मुख्य सैन्य अस्पताल के डॉक्टरों सहित करीब 100 कर्मचारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली होने की जताई आशंका। बर्नी सैंडर्स ने हिलेरी का समर्थन करने के उनके फैसले को लेकर ट्रंप ने हिलेरी के खिलाफ अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल। जमैका टेस्ट में 4th दिन में खेल में बारिश के कारण बाधा, वेस्टइंडीज लगातार दूसरी बार हार के कगार पर। भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के शुरुआती बल्लेबाजों को किया आउट, भारत जीत से 6 विकेट दूर। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।